तकरीबन 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, 120 दिन 125 दिन लगने चाहिए, पैदल यात्रा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। युवाओं से बातचीत हो रही है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं उनसे बात हो रही है, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, सब जगह लाखों लोग आ रहे हैं। ये टीवी वाले इतना दिखाते नहीं हैं, मगर नदी सी है, रोज 5:30 बजे लोग आते हैं, 6 बजे हम शुरू करते हैं, 8 बजे रात को, 7:30 बजे रात को यात्रा ख़त्म होती है। अजीब सी बात है, थकान बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, जनता की शक्ति हमारी मदद कर रही है। दुख इस बात का है कि यह यात्रा गुजरात से नहीं निकली। बड़ी खुशी हो रही है मगर दुख भी लग रहा है। युवाओं से बात करते हैं, हजारों युवाओं से मैंने बातचीत की है, हर 5-10 मिनट कोई युवा आता है, अपने सपने के बारे में मुझे बताता है। कोई कहता है इंजीनियर बनना था, सालों पढ़ाई की, सपना देखा था कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, आज मजदूरी कर रहे हैं। कोई कहता है डॉक्टर बनना था, शिक्षा के पैसे दिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाखों रुपए दिए, आज ऊबर की गाड़ी चलानी पड़ रही है, पिज्जा डिलीवर करना पड़ रहा है। किसान से बात करो, सवाल पूछते हैं, राहुल जी हमें बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो जाता है, हमने क्या गलती की? हम 50,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, 1,00,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता? उन्हें जब वो कर्जा वापस नहीं देते तो उसे वो सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर जब किसान 50,000 रुपए कर्जा लेता है वापस नहीं देता, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहलाया जाता, उसको डिफॉल्टर कहलाया जाता है। ये सवाल किसान पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना में पैसा डालते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, खेत बर्बाद हो जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता, फोन लगाते रहते हैं, नंबर से कोई जवाब नहीं देता, मेल भेजते रहते हैं, इंटरनेट पे मेल भेजते रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। ये सब सुनकर काफी दुख होता है। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं, मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं, बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या?